हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है नेटवर्किंग। और इस चैप्टर को मैं बहुत पहले ही ला देता, लेकिन डिले करने का कारण मेरा यही था कि बच्चे अभी पढ़ने में उतना रुचि नहीं दिखा रहे थे। क्योंकि मैं लास्ट अगर वीडियो देखूं अपना बुलियन अलजेब्रा का, तो 50-60 व्यू ही उस पर आए थे। मतलब बच्चे तो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए बोलते हैं, जो मतलब 5-6 जो बच्चे पढ़ने वाले हैं बस वही बोल रहे थे अभी, लेकिन बाकी बच्चे अभी एक्टिव नहीं है अपने एग्जाम को लेकर। तो आने वाले 1-2 महीने के बाद ये सब एक्टिव हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि चलो उस समय इस वीडियो को बनाया जाएगा, लेकिन लगातार कमेंट आने के बाद मेरे को लगा कि चलिए जो भी बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए इस वीडियो को लाया जाए। ज़्यादा आपका समय ना बर्बाद करते हुए इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर अपने ग्रुप में चाहे अपने फ्रेंड सर्कल में कहीं ना कहीं इसको जरूर शेयर करिएगा। क्योंकि इस वीडियो पर अगर 10 भी कमेंट आता है कि भैया इस प्लेलिस्ट को कंटिन्यू रखिए, तो मैं वीडियो इस पर नेटवर्किंग का बिना रुके हुए बनता रहेगा। तो चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखो, नेटवर्किंग जो चैप्टर है, ठीक है, बहुत ईजी चैप्टर है और अधिकतर इसमें पूरा थ्योरिटिकल चीज़ है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कंसेप्ट को समझना है, क्योंकि ये पढ़ाई से तो रिलेटेड है ही और एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम में काम पड़ेगा। लेकिन जनरल बहुत ऐसे चीज़ होते हैं जो हम लोग को जानना जरूरी होता है अपने नॉलेज के लिए। तो इसमें एक ऐसे ऐसे जो वर्ड मिलेंगे जो आपको लगेगा कि हाँ, ये रियल लाइफ में हम लोग इसका यूज करते हैं लेकिन इसके बारे में जानते नहीं हैं। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो देखो, जो पहला क्वेश्चन है नेटवर्किंग का, क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। और ये क्वेश्चन जितना आसान है एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क एंड इट्स एडवांटेज, इसके एडवांटेज के साथ इसको लिखिए। ग्रेजुएशन एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। तो पहले कोई हम पेन ले लेते हैं, यहाँ से हम लेते हैं जो हर बार लेते हैं रेड पेन, और थोड़ा सा थिकनेस को इसका बढ़ा देते हैं। देखो, तो हम लोग लिखेंगे ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स विच आर कनेक्टेड टू इच अदर फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग देयर रिसोर्स इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब ग्रुप किसको बोलते हैं, जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर जब एक साथ जुड़ते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ कंप्यूटर मतलब 2 से या 2 से अधिक कंप्यूटर जब एक साथ जुड़ जाते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, और उनका पर्पस क्या रहता है, अपना डाटा को शेयर करना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क। समझ में आया। एक लाइन और इसमें ऐड कर सकते हो, ऐसे भी इसको बोल सकते हैं कि जो इसका मेन एम होता है कंप्यूटर नेटवर्क का, क्या होता है, शेयर करने का, रिसोर्स को शेयर करने का इसका मेन एम होता है। वही चीज लिखा है, द एम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज द शेयरिंग ऑफ रिसोर्स एमोंग वेरियस डिवाइस। बहुत सारे डिवाइस में डाटा को शेयर करने के लिए जो काम आता है किसके हेल्प से बनता है, कंप्यूटर नेटवर्क के हेल्प से। हम लोग एक दूसरे के कंप्यूटर में डाटा को शेयर कर पाते हैं। तो ये हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का एक फिगर आप लोग ऐसे बना दीजिएगा, 4 कंप्यूटर है और एक दूसरे से कनेक्ट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंप्यूटर नेटवर्क। इसके बाद जो पहला कंप्यूटर नेटवर्क था क्या था, आर्पा नेट, और इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और ये आपको MCQ में क्वेश्चन में पूछ सकता है, चाहे अपने नॉलेज के लिए इसको याद जरूर रखिएगा। और एग्जाम में भी अगर लिखने के लिए आता है कंप्यूटर नेटवर्क, तो डेफिनेशन, फिर फिगर, और फिर ये भी लिख दीजिएगा कि पहला कंप्यूटर नेटवर्क क्या था। और इतना लिखने के बाद इसमें और अपने से ऐड क्या करिएगा, देखिए ये तो मेन आपका डेफिनेशन हो गया। अब ग्रेजुएशन में आपको तो एक पेज में काम चलने वाला है, नहीं कम से कम 2 पेज में डेफिनेशन अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो अभी ही साथ में साथ हम एग्जाम का प्रिपरेशन कराते चलते हैं, ठीक है। तो देखो, इतना लिखने के बाद कंप्यूटर नेटवर्क का क्या है, काम होता है, जैसे हम लोग कंप्यूटर का अगर डेफिनेशन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, सिर्फ कंप्यूटर का मेन डेफिनेशन लिखते हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट फ्रॉम डाटा, जैसे यूजर से हम लोग क्या करते हैं, डाटा को लेते हैं, फिर प्रोसेस करता है, फिर वो क्या करता है, हमें आउटपुट देता है। तो यही चीज हम लोग डेफिनेशन में लिख देते हैं, लेकिन उतना क्या सफिशियंट होता है। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ होता है, कंप्यूटर के आने के बाद हम मतलब हमारा लाइफ कैसे चेंज हो गया, सब उसमें हम लोग लिख के और क्या करते हैं, पेज भरने का कोशिश करते हैं। बहुत चीज़ हम लोग कंप्यूटर के बारे में लिख सकते हैं। सेम उसी प्रकार से अगर नेटवर्क के बारे में आ जाता है एग्जाम में, तो इतना डेफिनेशन मेन ऊपर लिख दिए। अब इसमें हम लोग ऐड क्या करेंगे कि नेटवर्क के आने के बाद से हम लोग आसानी से एक जगह से दूसरे जगह अपने डाटा को, चाहे अपने मैसेज को आसानी से पहुंचा देते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल आप दे सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नेटवर्किंग के आने के बाद ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लोग कितना भी दूर रहता है लेकिन फिर भी हम लोग उसका फेस देख पाते हैं, फेस टू फेस बात कर पाते हैं। ये सब किसके हेल्प से हो रहा है, नेटवर्क के हेल्प से।
नेटवर्क नहीं रहने से जो हम लोग पहले जिसको पोस्टर एड्रेस शायद बोलते हैं, अगर जो हम लोग एड्रेस भेजते थे कोई भी मैसेज किसी के पास लेटर भेजना रहता है तो उसमें बहुत समय लग जाता था, दिन 4-5 दिन लग जाता था। उस काम को हम लोग सेकेंडों में कर पा रहे हैं किसके हेल्प से, नेटवर्क के हेल्प से, और कम से कम पैसों में कर पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग कहाँ लिखेंगे, नेटवर्क में, कंप्यूटर नेटवर्क अगर पूछेगा तो इसमें हम लोग नीचे करके और लगभग इसमें आप समझ सकते हो, हम आपको बता दें कैसे लिखना है। तो आप लोग आधा पेज कम से कम एक पेज इस पर आसानी से लिख सकते हो। यहाँ तक क्लियर हुआ है सब बच्चों को, कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़ें। चलो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछता है, देखो गर्मी बहुत ज़्यादा है अभी क्योंकि फैन भी ऑफ रहता है। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो पहला जो एडवांटेज आप लोग लिखिएगा, हेल्प्स यू टू कनेक्ट विथ मल्टीपल कंप्यूटर टुगेदर टू सेंड एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन व्हेन एक्सेसिंग द नेटवर्क। मतलब ये क्या करता है, हेल्प करता है कंप्यूटर को एक दूसरे में कनेक्ट करने के लिए, जो मैसेज सेंड करने और रिसीव करने का काम करते हैं। ठीक है, तो क्या करता है नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क क्या करता है, हेल्प करता है बहुत सारे मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्ट रखता है, और इसके हेल्प से हम लोग डाटा को शेयर करते हैं और रिसीव करते हैं, मतलब से भेज भी सकते हैं और रिसीव भी करते हैं। ठीक है, तो पहला एडवांटेज। दूसरा क्या हो जाएगा, हेल्प यू टू शेयर प्रिंटर स्कैनर एंड ईमेल। इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, प्रिंटर को, स्कैनर को और ईमेल को क्या करते हैं, इसके हेल्प से हम लोग शेयर करते हैं, मतलब कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं। जैसे प्रिंटर को कनेक्ट करना है तो नेटवर्क के हेल्प से ना हम लोग प्रिंटर को कंप्यूटर से कनेक्ट कर पाते हैं, कोई ना कोई नेटवर्क हुआ। स्कैनर को भी कनेक्ट करते हैं, जैसे अब वाईफाई मतलब वायरलेस भी अब कनेक्शन हो जाता है, जैसे ब्लूटूथ के जरिए पहले वायर से करते थे, कोई भी अगर कनेक्शन है लेकिन वो नेटवर्क में ही आएगा, वायर से करो चाहे विदाउट वायर करो। ठीक है, इसका तीसरा जो हमारा है पॉइंट कि हेल्प यू टू शेयर इन्फॉर्मेशन एट वेरी फास्ट स्पीड। जो भी डाटा को हम लोग शेयर करते हैं वो तो शेयर हो जाता है लेकिन बहुत फास्ट स्पीड में शेयर होता है। जैसे मैं आपको बताया कि पहले जो हम लोग कोई लेटर भेजते थे तो आज भेजेंगे तो लगभग 5-6 दिन बाद दूसरे जगह पे पहुंचेगा जहां पे हम लोग को भेजना रहता है। एक लंबा डेस्टिनेशन उसको तय करना पड़ता है जो भी लोग लेटर लेके जाता है, और ये फिजिकली होता था, कोई व्यक्ति लेके जाता था, लेकिन अब नेटवर्क के आने के बाद से ये काम सेकेंडों में होता है। जैसे आप लोग यहाँ पर कोई मैसेज टाइप करोगे, हेलो हाय कुछ भी ऐसा मैसेज टाइप किए हैं, तो सेकंडों में जिसके पास आप मैसेज भेज रहे हो उसके पास सेकंड नहीं लगता है, मैसेज चला जाता है। तो किसके हेल्प से होता है, नेटवर्क के हेल्प से, और यही इसका एक एडवांटेज हो जाता है। चौथा जो एडवांटेज हमारा है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इज मोर इफिशियंट एंड लेस एक्सपेंसिव देन विदाउट द नेटवर्क। वही चीज़ है, बिना नेटवर्क के अगर हम लोग अगर तुलना करेंगे तो बिना नेटवर्क के बहुत पैसा लगता था और समय लगता था, और नेटवर्क से हम लोग कोई भी काम को आसानी से मतलब बहुत इजीली तरीके से कोई भी डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं और पैसा भी कम लगता है। ठीक है, पांचवा वही चीज़ था यहाँ पे चौथा में। पांचवा क्या है हमारा, विथ द हेल्प द नेटवर्क डाटा ट्रांसफ़र कॉस्ट इज लो। नेटवर्क के हेल्प से जो डाटा ट्रांसफ़र कॉस्ट जो होता है वो बहुत सस्ते हो जाते हैं। जैसे अगर हमको कोई लेटर भेजना रहता था तो हम पहले जाते थे पोस्ट ऑफिस में, वहाँ पर देंगे तो लगभग 150-100 रुपया इस हिसाब से वहाँ पे लगता था एक लेटर को भेजने के लिए। लेकिन अब उसी चीज़ को अगर व्हाट्सएप पे सिर्फ एक फ़ोटो खींचे और भेज दिए, ठीक है, तो कितना देर लगता है, 1 भी रुपया का खर्चा होता है, नहीं होता है। तो मतलब डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए कोई कॉस्ट इसमें नहीं लगता है, बहुत लो कॉस्ट लगता है, लगता भी है तो 1-2 पैसा इस प्रकार से लगता है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। और ये दोनों बहुत VVI क्वेश्चन समझिए कि है, हर बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है कि व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क एंड इट्स एडवांटेज। तो ये दोनों आप अच्छे से कर लीजिएगा, जैसे कि आपको बताएं कंप्यूटर नेटवर्क को किस प्रकार से लिख सकते हैं, पहले डिफिनीशन, फिर फिगर, फिर अपने से बना के लिख लीजिएगा। उसके बाद एडवांटेज 5 आपके सामने है, और भी अपने से इसमें एड ऑन कर सकते हैं, जैसे सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी बहुत कंप्यूटर नेटवर्क हेल्प करता है। जैसे पहले कोई पोस्टर, जैसे पोस्ट ऑफिस कोई लेके जाता था, कोई इंसान फिजिकली हमारा लेटर लेके जाता था तो बीच में हो सके तो उसको खोल के कोई दूसरा व्यक्ति देख सकता है, लेकिन अब कंप्यूटर नेटवर्क के हेल्प से हम लोग कोई भी डाटा एकदम सिक्योर तरीके से एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हैं, बीच में कोई खोल के नहीं देखेगा। ठीक है, तो ये सब भी क्या होता है, एक एडवांटेज है, तो ये सब भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे करके 6-7 एडवांटेज भी आप अपने से बना के लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो को ना लंबा करते हुए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इस वीडियो कहीं पर एंड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। और आपसे उम्मीद करेंगे कि कम से कम 10 बच्चे अगर इस वीडियो के नीचे अगर कमेंट करेंगे भैया नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लाइए, तो मतलब वीडियो तो आएगा ही आएगा, लेकिन एक होता है ना कि
कंटिन्यूटी बना रहेगा, जैसे हर एक दिन दो दिन पे वीडियो लगातार आते रहेंगे, अगर आप लोग थोड़ा मेरे को मोटिवेशन दीजिएगा, मतलब आप लोग शेयर करिएगा, तो जितने लोग देख रहे हैं अगर पसंद आया होगा तो अपने ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। तो इस वीडियो को एंड करते हैं, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर पसंद आता होगा तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।